हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात होगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटानी सिटीजन आर्मेनिया कैसे आ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, सबका सेपरेट एक ही वीडियो में जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो सबका सेम ही प्रोसेस है, जो कंट्री बताई मैंने, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान सिटीजन का, सबका सेम प्रोसेस है। तो किसी एक कंट्री का पहले बता दूंगा मैं, तो बाद में पूरा सबका एक साथ क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेपाली सिटीजन की, वो लोग आर्मेनिया कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और वीज़ा कहाँ से मिलेगा। देखो, इंडियन का तो ई वीज़ा है जो ऑनलाइन मिल जाता है, उसकी करीब $60 फीस है। और इन लोगों को एम्बेसी से, आर्मेनिया एम्बेसी है जो, वहाँ से वीज़ा मिलेगा। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा की हो, 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी वाला एक पासपोर्ट, और एक पासपोर्ट की कॉपी, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसमें टाइप करेंगे क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा सकते हैं, नहीं तो आप एम्बेसी से भी ला सकते हैं। और एक प्रूफ, जैसे होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट टिकट, इन दोनों में से कोई एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास आर्मेनिया, जैसे आर्मेनिया आने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर कैसे मिलेगा, जो टूर ट्रैवल एजेंसी होती हैं उनसे आपको मिल सकता है, या फिर जो इधर का कोई लोकल बंदा होगा जो आर्मेनिया का सिटीजन या उसकी कोई कंपनी रजिस्टर है, वो आपको इनवाइट कर सकता है। इस तरह से आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके और एम्बेसी में जमा करना है। नेपाली सिटीजन कहाँ जमा कर सकते हैं, दिल्ली और चेन्नई में है एम्बेसी, इंडिया में। इंडिया जाके आप एम्बेसी में जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं। बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तानी सिटीजन ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके कहाँ सबमिट करेंगे। बांग्लादेशी सिटीजन दुबई से अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी सिटीजन भी कतर या फिर दुबई से अप्लाई कर सकते हैं, भूटानी सिटीजन अगर इंडिया आ सकते हैं और वहाँ एम्बेसी से जमा कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो कुवैत से उनके लिए वेस्ट है। तो यही सारा प्रोसेस था। बाकी इस टाइम आर्मेनिया में मौसम बहुत ही ठंडा है, -6-7 टेम्परेचर जा रहा है अभी जनवरी में, 26-27 जनवरी। देख ही सकते हो आप, बर्फ़ वगैरह सब में गिरी पड़ी है। मैं आज आया था डिलीवरी पे इनके साथ, दोनों के खाली रूम पर पड़े पड़े शरीर एकदम बेकार सा हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ बाहर घूम लिया जाए। कल बर्फ़ में घूम लिया था मैं, तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। जैकेट वगैरह अपनी ज़रूर लेके आएँ, तगड़ी वाली रोई की इस तरह की, बाकी जूते मोजे सब कुछ अपना लेके आएँ। तो ये था, और बाकी वीज़े की फीस वगैरह इसके बारे में मुझे नहीं पता, जो भी होगी फ़िलहाल इंडियन के लिए तो $7 है, बाकी एम्बेसी में पता कर सकते हैं, $15-20 ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और 20-21 दिन में वीज़ा आ जाएगा आपका अगर सब कुछ सही रहा तो। वीडियो आज की यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी किसी इंडियन भाई को जॉर्जिया, रसिया, दुबई का वीज़ा वगैरह चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या दुबई का वीज़ा चाहिए अगर किसी भी बांग्लादेश, पाकिस्तानी, नेपाली सिटीजन को, तो वो मैं अरेंज करवा सकता हूँ।